सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई डिचनल स्मॉल टाउन ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम आए हुए हैं दिल्ली, और दिल्ली देख सकते हैं आप, लोटस टेम्पल जो कि मेरे पीछे है। और आज मैं आपको यहाँ का विजिट कराने वाला हूँ कि भाई लोटस टेम्पल में क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पे किस तरीके से आया जाता है, कौन सा नियरेस्ट ये मेट्रो है, और क्या यहाँ का टिकट प्राइस है, और किस दिन ये खुला रहता है। तो गाइज, मैं आपको पूरी वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो फुल वीडियो वॉच करना। एंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, डोंट फॉरगेट। तो गाइस चलो, लेट्स गो, अंदर चलते गाइस। तो गाइस लेट्स गो, चलते हैं अंदर। और आप देख सकते हैं सामने बैरियर लगे हुए हैं, और यही यहाँ का मेन एंट्रेंस रास्ता है अंदर जाने का। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूजफुल नॉलेज देता हूँ, यहाँ पे खाने पीने की वस्तु ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप देख सकते हैं नॉट अलाउड। जैसे आप अंदर एंटर करोगे तो सबसे पहले आपका सिक्योरिटी आपके बैग वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद ही आप अंदर एंटर कर सकते हो। और गाइज आप देख सकते हो चारों तरफ का व्यू, हमने सिक्योरिटी वगैरह पार कर ली है, और अभी ऐसा लगता है चारों तरफ की ग्रीनरी देख के कि हम अभी गोवा के बीच पे आए हुए हैं। भाई बहुत प्यारा नजारा है, बहुत प्यारा व्यू है। गाइज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है लोटस टेम्पल, जिसको कमल मंदिर के नाम से जाना जाता है। लोकेशन है दिल्ली, और जो इसका नियर बाई मेट्रो है वो है कालका मेट्रो स्टेशन। आप वहां से आओगे तो पैदल 10 मिनट का रास्ता है, और आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। और सबसे मेन चीज है गाइस, यहाँ पे टिकट का कोई भी चार्ज नहीं है, टिकट पूरी तरह से फ्री है। तो गाइस सबसे पहले आपको लेके चलते हैं यहाँ के सूचना केंद्र में। अगर आपको कोई भी यहाँ से यूजफुल नॉलेज चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सूचना केंद्र है। बस यहाँ अंदर एक चीज है, आप कैमरा नहीं ले जा सकते अंदर, आप कैमरा को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। और गाइस ये संडे के दिन ऑफ रहेगा, तो संडे के दिन मत ही आए, क्योंकि ये बंद रहेगा। और यहाँ पे मोबाइल साइलेंट रखना बहुत जरूरी है। तो गाइस आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू, इतना प्यारा नजारा, जो कि यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ के फूल पेड़ पौधे बिल्कुल उस हिसाब से बनाया गया है कि ताकि यहाँ का नजारा में चार चांद लग जाए। और आप देख सकते हैं सामने लोटस टेम्पल। हाँ गाइस, लोटस टेम्पल। तो गाइस अब चलते हैं, और सबसे पहले ये किस जगह पे है, ये है गाइस दिल्ली नेहरू पैलेस में। तो गाइस ये दिल्ली नेहरू पैलेस में स्थित है, भाई उपासना मंदिर है। यहाँ अंदर गाइस कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं है, कोई भी पूजा पाठ नहीं होती है। लोग यहाँ पे शांति के लिए आते हैं, सुख के लिए आता है गाइस, थोड़ी देर बैठ के प्रे करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ की भीड़, अभी तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ती है, डे के टाइम पे तो बहुत ज्यादा भीड़ है। और आपको मैं एक बार यहाँ का नजारा दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, इसका 360 डिग्री मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ये यहाँ का सबसे मेन फ्रंट एंट्रेंस का रास्ता है, और एक साइड से आप जा सकते हैं, यानी कि मेरे राइट साइड से आप जा सकते हैं, और लेफ्ट साइड से आप आ सकते हैं। अभी जो मेन रास्ता है वो इन्होंने बंद किया हुआ है, अभी ये मना कर रहे हैं। और गाइस एक बार आप देख सकते हो चारों तरफ का व्यू कि कितना प्यारा लग रहा है। ये है मेन रास्ता अंदर जाने का, ये बंद है, अभी इससे जाना पड़ेगा, और दूसरी साइड से हमें को आना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हैं आप चारों तरफ का एक नजारा, और अब चलते हैं, आपको लेके चलते हैं लोटस टेम्पल की तरफ। तो गाइस यहाँ पे अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट मैं फिर भी अपने रिस्क पे आपको अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा किस तरीके का है। इसे कहते हैं गाइस 20वीं सदी का ताजमहल भी इसे कहा जाता है। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पानी का तालाब बनाया हुआ है, इसके चारों तरफ से ये तालाब बनाया हुआ है, इसे बहाई धर्म के संस्थापक ने बनाया था, और ये नवंबर 1986 में बनके रेडी हुआ था।
और इसका उद्घाटन हुआ था 24 दिसंबर 1986 को, और 1 जनवरी 1987 को ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। इसके निर्माण में तकरीबन 10 साल का समय लगा था और जो इसकी लागत थी वो 1 करोड़ की थी। तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे शूज़ वगैरह जमा करते हैं, शूज़ वगैरह अंदर ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब हमने शूज़ वगैरह पन्नी में रख लिया है और यहाँ से टोकन ले लिया है। अब टोकन हमारे पास है तो गाइस अब चलते हैं अंदर, और ये हमने बैग भी अपने पास लिया हुआ है। अभी सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं पानी वगैरह का। सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है गाइज, यहाँ पे कैमरा बिल्कुल अंदर अलाउड नहीं है और फोन सबसे मेन है साइलेंट रखना पड़ेगा। तो गाइज ये रहा अंदर, यहाँ पे बिल्कुल अलाउड वीडियो बनानी नहीं है, बट मैं अपने रिस्क पे आप लोगों के लिए वीडियो दिखा रहा हूँ। तो गाइज इसके लिए तो लाइक बनता है, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे गाइज, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करे ताकि जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनको थोड़ा बहुत यूजफुल नॉलेज मिल सके। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 5 मिनट बैठ के प्रे करते हैं, और गाइस अब मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ और बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है अंदर जाके, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है मुझे। तो गाइस बात कही जाए तो इसकी जो लागत है वो $1 करोड़ का इस पे खर्चा आया हुआ था, और जो इसकी पंखुड़ियां है इस पे 27 पंखुड़ियां है संगमरमर से बनी हुई गाइस, 27 पंखुड़ियां। इसके ऊपर 3 चक्र है गाइस, 3 चक्र के बीच में ये व्यवस्थित है, और इसमें 9 डोर है। तो गाइस 9 डोर है, और जो बीच का हॉल है उसकी हाइट है 40 मीटर। तो इस हॉल में तकरीबन तकरीबन 2500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं अंदर गाइस, 2500 लोग। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका जो निर्माण है वो अरिजवन साहूकार ने बनाया था इसको, जो कि कनाडा के रहने वाले हैं। तो गाइस सबसे मेन इंफॉर्मेशन चीज यहाँ पे सिक्योरिटी, जो कि आपका बैग चेक होगा, खाना पीना ले जाना बिल्कुल आउट नहीं है, और आप अब आप यहाँ पे आगे आके आप अपनी फोटो वगैरह जैसे आप बाहर निकलते हो आप वीडियो बना सकते हो, फोटो खींच सकते हो। तो गाइस आप आओ, जरूर विजिट करो इस पैलेस को, बहुत ही प्यारा नजारा है गाइस यहाँ के। आपको अगर आप एक ऐसी जगह होना चाहते हो जहाँ आपको शांति का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकें, तो गाइस यहाँ जरूर विजिट करें और यहाँ एकदम मजा आएगा गाइस आपको आके। आप देख सकते हैं सामने लोटस टेम्पल, इसका सेकंड नाम है कमल महल, और इसका एक तीसरा भी नाम है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइज, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।